आज हम दिल्ली का फेमस स्ट्रीट फूड राम लड्डू बनाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। दिल्ली में आप किसी भी मार्केट में जाएं, जहाँ ये गर्मा गर्म तले जा रहे हों, खाने वालों की लाइन हमेशा लगी रहती है। तो आज ये राम लड्डू हम घर पर बना रहे हैं, इनके साथ में चटनी और मूली भी तैयार करेंगे। नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। आधा कप चने की दाल, वजन में 100 ग्राम, आधा कप मूंग की दाल जिसे आप येलो दाल भी बोलते हैं, ये भी वजन में 100 ग्राम है। ये उड़द की दाल 3 टेबल स्पून, वजन में 30 ग्राम, इसे आप सफेद दाल भी बोलते हैं। तो ये तीनों दाल हमें चाहिए। इनको अच्छे तरीके से धोकर 2 घंटे पानी में भिगोना है। तो दालों को भिगोकर हमने पहले से ले लिया है, चने की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, तीनों दालों को अलग अलग भिगोकर तैयार कर लिया है। आप चाहे तो इन्हें एक ही साथ धोकर भिगो सकते हैं। दाल को जार में डालते हैं। पानी हमने इनका निकाल दिया है। ये मूंग की दाल सबको एक साथ पीसना है, और मूंग की दाल में जो पानी दिख रहा है उसे भी प्याले में ही छोड़ दीजिए। उड़द की दाल भी इसी में डाल देंगे, पानी बिल्कुल नहीं। और ये एक पिंच हींग, हींग से इनमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है। अब इन्हें हल्का दरदरा पीस लेते हैं, पानी कम से कम डालेंगे। ये दाल देखिए एकदम गाढ़ी है और हल्की दरदरी पीसी है। इसे पीसने में मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून पानी का यूज किया है। अब दाल को हमें फेंटना है। इसमें कोई सोडा या इनो वगैरह कुछ नहीं डालना है। दाल को इतना फेंटना है कि इसके अंदर अच्छे से हवा चली जाए और राम लड्डू फूले फूले बने। आप इसे चम्मच से या हाथ से जैसे चाहे फेंट सकते हैं। तो इसे लगातार पूरे 6-7 मिनट तक फेंटते रहिए। राम लड्डू का मेन पार्ट दाल तैयार करना है। दाल अच्छे से तैयार हो गई तो ये अच्छे बनेंगे ही बनेंगे। जब दाल को आप पीसें तो उसमें पानी कम से कम यूज करें। दाल हल्की दरदरी पीसें, इसके बाद इसे आता है फेंटने का नंबर। तो इसे अच्छे तरीके से 7-8 मिनट तक खूब फेंटें, जब तक ये फ्लफी ना हो जाए, ऐसी जैसी आपको दिख रही है। इसे मैंने पूरे 6 मिनट तक फेंट लिया और ये देख रहे हैं आप कितना प्याला भर गया है दाल से और एकदम हल्का कलर आ गया है। इसको चेक भी कर लेते हैं। किसी भी कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर और एक पकौड़ी तोड़कर पानी में डाल दीजिए। देखिए ये पानी के ऊपर तैर रही है, यानी दाल पूरी तरीके से हल्की हो चुकी है, परफेक्ट फिट कर तैयार है। दाल को हम दूसरी तरफ रख देते हैं और इधर बनाते हैं चटनी। ये हमने थोड़े से टेंडर टेंडर मूली के पत्ते ले लिए हैं। छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना बीच बीच में लगे, वो निकाल लिए। तो राम लड्डू की जो चटनी बनती है उसमें हल्का सा मूली का फ्लेवर होता है, वही इसकी खास चटनी है। ये पत्ते मोटे मोटे काट के जार में डाल देते हैं। और अब ये 1 कप धनिया लिया है, इसे भी मोटा मोटा काट लिया है, धोया सुखाया और काट लिया। धनिया वगैरह काट लें तो जरा पिसने में आसानी होती है। 3 हरे मिर्च, क्योंकि ये चटनी थोड़ी तीखी बनती है, बाकी तो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 नींबू का रस। अब थोड़े से और मसाले, 1/2 छोटी चम्मच सादा नमक, 1/2 छोटी चम्मच काला नमक। और इसको थोड़ा सा खट्टा भी ज्यादा बनाना होता है तो इसमें डाल रहे हैं अमचूर पाउडर 3/4 छोटी चम्मच, 1/2 छोटी चम्मच जीरा और 1/2 पिंच हींग। हींग बहुत ज्यादा नहीं डालनी होती, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ये चटनी पीस गई, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। थोड़ा सा जार में पानी डालकर ले लिया और अब देखते हैं चटनी की कंसिस्टेंसी। पोरिंग कंसिस्टेंसी वाली चटनी होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा पानी और मिला देते हैं। ये राम लड्डू की चटनी तैयार हो गई। दाल तैयार हो गई, चटनी तैयार हो गई। अब राम लड्डू के साथ में परोसने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, मूली कस। तो मूली को मोटा मोटा कस लिया है, ये बहुत जरूरी है। और इसमें मिलाने के लिए भी हमने ये मूली के पत्तों को एकदम पतला पतला काट कर ले लिया है। इसमें नमक या नींबू कुछ मत मिलाइए, फीका ही रखिए। तो ये मूली तैयार हो गई। दाल में हमने अभी तक नमक तो डाला ही नहीं था, क्योंकि इसे बिना नमक के ही फेंटते हैं। अब डाल देते हैं नमक। तो ये 3/4 छोटी चम्मच या स्वादानुसार नमक। और राम लड्डू को बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए 1 चम्मच चटनी डाल दीजिए इसमें से, और अब इन्हें मिक्स कर दीजिए।
अब आइए गैस के पास। इन्हें तलने के लिए ऑयल पहले से ही गर्म करने रख दिया था। थोड़ा सा हाथ को पानी में डिप कर लेंगे, गीला हो जाए पहली बार, और इसमें से थोड़ी सी दाल लेकर एक पकौड़ी इसमें तोड़ते हैं। अभी थोड़ा सा कम गर्म है ये, इसे सिकने देते हैं। देखिए ये सिक गया, इसे निकाल लेते हैं और ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है तो बनाते हैं। हाथ को पहली बार डिप कर लीजिए और थोड़ी सी दाल उठा लीजिए, क्योंकि ये थोड़े बड़े बड़े उठाने हैं तो एक बार में एक ही, और अंगूठे के हेल्प से छोड़ दीजिए। और ये आपने देखा सब अपने आप पलट गए हैं, घूम घूम के नाच नाच के अपने आप पलट जा रहे हैं। जितने राम लड्डू कढ़ाई में एक बार में आ जाए उतने डाल दीजिए। ऑयल मीडियम हाई गर्म है और फ्लेम भी मीडियम हाई है। अब ये थोड़े सीक गए हैं तो थोड़ा थोड़ा इनको चलाना भी ज़रूरी है। इन्हें थोड़ा थोड़ा इस तरीके से घुमाते रहिए ताकि ये चारों ओर एक जैसे तले। और जो ऊपर की परत है उसको अच्छा सा क्रिस्प होने तक तलना है, तो ऊपर से एकदम क्रिस्पी लगेंगे और अंदर से सॉफ्ट। ये चारों तरफ से अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए, पूरे क्रिस्प दिख रहे हैं, निकाल लेते हैं। तो बचे हुए राम लड्डू भी इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। इन्हें आप किसी पार्टी या मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो एक बैच को सिर्फ 4 मिनट तलें और निकाल करके रख लें। बाद में जब भी आपको सर्व करना है तब गर्मा गर्म तेल में डालें, क्रिस्प करें और सर्व कर दीजिए। इन पर भी अच्छा कलर आ गया और ये देखिए कितने बढ़िया तले जा रहे हैं, ठंडे होने के बाद भी बिल्कुल छोटे नहीं हो रहे, जैसे मैं निकाल रही हूँ बिल्कुल वैसे ही हैं। सारे राम लड्डू तलकर तैयार कर लिए, एक बैच को तलने में लगभग 7 मिनट लग जाते हैं। अब राम लड्डू को सर्व कर लेते हैं। तो ये प्लेट ले ली और इसमें हमने थोड़े से राम लड्डू लगा लिए। अब इनमें डालेंगे ये मूली और अब चटनी और थोड़ा सा चाट मसाला, और ये हमारे राम लड्डू की प्लेट तैयार है। गर्मा गर्म राम लड्डू बनकर तैयार हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, एकदम डिफरेंट टेस्ट है इनका, और इनके साथ जो चटनी बनी है वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इन्हें आप इस तरीके से सर्व कीजिए, सभी को बहुत पसंद आएंगे। और ये राम लड्डू बनाने का तरीका तो आपने देखा ही है, कितना आसान है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, दाल आपने फेंट कर तैयार कर ली। इन्हें तलने के लिए तेल को मीडियम हाई गर्म कर लीजिए और गोल गोल करते हुए हाथ से कढ़ाई में इन्हें डालिए। इसके बाद घुमाते घुमाते अच्छे ब्राउन होने तक तल लीजिए। अब बहुत ही अच्छे राम लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। इन्हें ज़रूर बनाइए, खाइए और बताइए कैसे लगे। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए।